हेलो, क्या हाल है आप सबके? सब ठीक है? आज का जो हमारा व्लॉग है वो है क्रिक पार्क। ये ओद मेहता से करीब एक छोटा नहीं कह सकते, एक मीडियम पार्क है जिसके अंदर जो है ना वो आप आके बारबेक्यू कर सकते हो। अभी थोड़ा मौसम अच्छा हुआ तो सोचा कि क्रिक पार्क जाएं और वहाँ पे जो है ना वो बारबेक्यू वगैरह रखें। फैमिली बारबेक्यू एरिया है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। आप जो है वो नॉल कार्ड से जो है ना वो एंटर हो सकते हो। वो भी मैं आगे कवर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। ये बिल्कुल हयात रीजेंसी होटल जो है उसके सामने बाथरूम फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा पार्क है। ज़्यादा लोग भी नहीं है, वीकेंड पे होते हैं लोग, आज सैटरडे नाइट है। लेकिन एशिया कप चल रहा है तो काफ़ी पब्लिक उन चीज़ों में बिज़ी है। आज अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच है, हम मैच भी देख रहे हैं, बारबेक्यू भी बना रहे हैं, पुलाव भी है जो घर से बना के लाए थे, कि जो है वो जो बारबेक्यू में इंटरेस्ट नहीं है वो राइस खा सकता है। ये यहाँ पे कैफेटेरिया है, अगर आप बारबेक्यू नहीं करना चाहते ऐसे ही आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। मैं ले चलता हूँ जहाँ पे हमने सेटअप लगाया। सामान बहुत सारा था तो एंट्री से मैंने जो है ना वो व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि चेयर्स काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी मेरे पास, सिगड़ी सीके वगैरह और ना पिलोज़ वगैरह थे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया वहाँ पे। मैंने अंदर आया, पहले सेटिंग की, कोल्स वगैरह में मेहनत की, जो कि आपको पता है वो सबसे ज़्यादा मेहनत उसी में होती है। यहाँ देखिए फैमिली जो है वो इस तरह के रेंट पे लेके ना इन्हें ये साइकिल चला सकते हैं। इसका स्पेसिफिकली नाम नहीं पता, लेकिन ये जहाँ से रेंट आउट हो रही है हम वहाँ भी जाएंगे। और मेरे को दूर कुछ नज़र आ रहा है, दूर लाइटें जलती हुई, हाँ इसको भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम बारबेक्यू एरिया में जहाँ पे हमने जो है कोल्स वगैरह सेटअप वगैरह लगाया है, कोल्स वगैरह का। यहाँ पे अगर आप दिन में आएंगे तो बेंचेस वगैरह भी है। सर्दियों में आना ज़्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन आज जो है मौसम थोड़ा बेहतर था तो जो है ना मैंने सोचा कि क्यों ना हम बारबेक्यू वगैरह करें। छुट्टी भी है, मैच भी देखें क्रिक पार्क में, क्योंकि ऐसी सुकून वाली जगह है जो है ना वो बहुत अच्छी थी। हमारा बारबेक्यू एरिया आ गया यहाँ पे, ये सीट्स वगैरह खड़ी की हुई थी तभी स्टार्ट में जो है वो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। देखिए कोल्स वगैरह रेडी है, ये हमारा पुलाव है, गर्म हो रहा है, इस पर पानी वगैरह की फैसिलिटीज़ है, और हमारा चिकन वगैरह जो है ये इसके अंदर ड्रिंक्स वगैरह है। बाकी ये लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे जो है वो चिकन वगैरह। और ये चल रहा है श्रीलंका अफगानिस्तान का मैच, और हम चाह रहे हैं कि, और ये हमारे उमरगुल भाई, हम चाह रहे हैं कि राशिद खान 4-5 विकेट्स ले ले और ये मैच अफगानिस्तान जीत जाए। सही है। तो बारबेक्यू एरिया के बिल्कुल सामने जो है वो बीच भी है, तो उससे भी जो है ना वो आप जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हो कि ठंडा मौसम है, आप आके बीच पे बैठ सकते हो, यहाँ पे कैफेटेरिया से चीज़ें ले सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है ना वो प्ले एरिया भी है। चलो वहाँ अभी जो है ना हम प्ले एरिया की तरफ चलते हैं और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो भाइयों ये जो जगह है ना यहाँ पे वो अजीब सी साइकिल कोई चला रहा, तो अभी जाके हम पूछते हैं इससे इसका क्या रेंट है। हम तो नहीं कराएंगे रेंट, लेकिन आप लोग को आइडिया दे देंगे ताकि जो आप लोग नेक्स्ट टाइम आओ तो यहाँ पे इजीली, ये बिल्कुल गेट नंबर 1 और 2 के सामने है। 1 और 2 से आप एंटर होके आप जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इसका नाम है स्मार्ट बाइक, स्मार्ट बाइक करके। ओ स्मार्ट बाइक तो दूसरी है, वहाँ भी एक बाइक है। और ये सिटी सेंटर भी है यहाँ पे, ये किड सिटी, किड सिटी हमारे दोस्त बोल रहे हैं किड सिटी। और है ना रेट वगैरह भी पूछ लेते हैं हमारे, लगता है बाइक खड़े हैं, हाँ यहाँ पे बोर्ड है ना, यहाँ पे चल के देख लेते हैं। ये जो है बाइक स्पोर्ट्स एंड लेजर इक्विपमेंट रेंटल, इसके जो रेट पता करो भाई, इसके रेट है 45 मिनट्स के। इसको बोलते क्या है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं? साइकिल मोनोको है, चोकोरे बर्गे। अच्छा अच्छा ऐसा है। और ये फैमिली के लिए अलग है, और सिंगल भी है और फैमिली के लिए भी है ना, बच्चों के लिए भी है। सही है, सही है, अच्छा है, थैंक यू।
पे ये सारी साइकिल्स हैं फैमिली के लिए भी। वो जो पहले फैमिली जो चला रही थी ना वो ये वाली थी। तो रेट्स वगैरह सही है, मुनासिब है, वो बड़ी वाली साइकिल्स भी है। तो पूरे जो है पार्क का आप जो है ना वो टूर ले सकते हो उससे। अभी चलते हैं हम वो प्ले एरिया की तरफ जहाँ पे जो बच्चों के लिए इन्होंने मुफ्त झूले वगैरह बनाए हैं वो सही पे। तो वहाँ ना ये जनरल सिटी है, अभी ये बंद है, आई थिंक ये डे में खुलता होगा। तो किसी दिन डे में आएंगे तो कवर करेंगे। ये भी गेट के बिल्कुल करीब है। बाकी वो नॉलकार्ट वाली एंट्रेंस भी है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं ये प्ले एरिया की तरफ। सही है, काफ़ी बड़ा पार्क है ये, लगता दिखने में छोटा है लेकिन है ये बहुत बड़ा। तो अभी वहाँ पे प्ले एरिया की तरफ जाके वहाँ से ये पार्क के अंदर जो है ना वो भूल भुलैया भी है, मेज जो है ये आप एंटर हो यहाँ से, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, अंधेरा बहुत है भाई। ये आप गए यहाँ से और उस जगह भी कोई भी नहीं, यहाँ से आप यहाँ गए। बहुत इजी है, इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फंस गए बेटा आप, फंस गए। ये हमारे भाई वहाँ गए थे, फंस गए। मतलब इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप जा सकते हो। ये यहाँ से बाहर हो गए। ये मेरे ख्याल से बच्चों के लिए छोटे, लेकिन हाँ मेरी हाइट अच्छी है ना। तो ये भाई ये हमसे हम यहाँ से बाहर हो गए भाई, अच्छी हाइट होने का ये एडवांटेज है। चलिए अभी चलते हैं फाइनली प्ले एरिया की तरफ। ये प्ले एरिया काफ़ी जो है ना वो फेमस है यहाँ का, बच्चे यहाँ गए प्ले एरिया बहुत लाइक। ये आ गए हम चिल्ड्रंस प्ले एरिया पे। सही है, अच्छा है, मतलब बच्चों के लिए अच्छा टाइम पास है यहाँ पे जो है वो। बच्चे भी इंजॉय भी कर रहे हैं और हम भी जब छोटे थे तो ये सारी चीज़ें करते थे। ये बिल्कुल यहाँ से जो है ना वो जदफ का ब्रिज है, ये शारजा और दुबई को कनेक्ट करता है। इसके नीचे जो है वो कैनाल जा रहा है। यहाँ पे देखें फैमिलीज़ वगैरह बारबेक्यू के लिए आई है। बहुत अच्छा पार्क है, 10 out of 10 है इस पार्क के लिए। बाकी ये सारे यहाँ पे जो है वो सारे वो है, हाँ वाटर क्लान है ना, वाटर क्लान है यहाँ पे। उस साइड से डाउ क्रूज़ वगैरह भी होता है। वो हम दूर से कुछ लाइटिंग्स देख रहे थे, अच्छा वो लाइटिंग्स वो जदफ ब्रिज के पास ये लोगों ने लगाई हुई है। अच्छी अच्छी अट्रैक्शन है यहाँ पे। डे में ना सी प्लेन भी आते हैं, सी प्लेन वगैरह और प्राइवेट क्रूजिंग वगैरह ये भी सी सब भी होती है। बाकी 6 बजे के बाद आई थिंक यहाँ पे पानी में जाना अलाउ नहीं है। तो जो है जो भी यहाँ पब्लिक वगैरह आती है वो 6 बजे के बाद काइट बीच चले जाती है, जिनको पूरा दिन बीच ही चाहिए होता है, टूरिस्ट वगैरह। हाँ वाकई में यार, ये जब ये इन्होंने ना जो है ना ये रेप्लिका है उसका ऑलमोस्ट, सिडनी हार्बर का। और यहाँ से जो ना आरटीए की बोट भी चलती है जो मरीना ले जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ मैंने देखी थी सारी चीज़ें। बहुत दूर है बोट्स वगैरह। ये यहाँ ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना ये इनकी प्राइवेट यॉट्स है। यहाँ पे यॉट क्लब है। उस साइड जो है ना वो डेरा है, डेरा सिटी सेंटर वगैरह उस साइड पड़ता है, और ये वाली साइड जो है ऊद मेहता वाली साइड है, और ये जदफ वाली साइड है। तो काफ़ी सेंटर में है ये पार्क, शारजा वगैरह सब वगैरह से भी करीब पड़ता है, दुबई वालों को भी करीब पड़ता है। और बहुत जो है वो ज़्यादा शोर नहीं है, आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन टाइमिंग 11 बजे तक है इसकी भाई। बारबी का ना बारबेक्यू का असूल होता है, सही है, मेहनत भी करनी होती है। देखो अभी कोयले बनाते हैं हम, ये हमारे तिक्के पड़े हुए हैं, तो ये जो है वो हम इसमें डालेंगे और जो है वो बारबेक्यू रेडी करेंगे। गर्मी भी है, बेहतर तो ये है कि हम जो है वो सर्दियों में आए, लेकिन गर्मियों में भी कर सकते हैं, मसला नहीं। ये हमारे शाही टिक्के रेडी होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गए, बस इसमें थोड़ा दम मार रहे हैं। मज़ा आ रहा है, मेहनत के बाद खाने का भी मज़ा अलग होता है। बहुत मेहनत है भाई बारबेक्यू करने में, बहुत मेहनत। ये बिल्कुल हो गए हैं बस एंड में, आखिरी फेस में, लेकिन मेहनत बहुत है। गर्मी के मौसम में मज़े वाले दिखे।
ये फाइनल प्रोडक्ट है देखो, अभी नई लॉट डाली है हमने भाई, कच्चा पका नाम है टूटा फूटा माजूर ही बना दिया हमारे चैनल को। सेकंड बैच भी ऑलमोस्ट हो गया, ये हम सीके लाए थे टीपू सुल्तान के ज़माने वाली, मैं टीपू सुल्तान ने ना जंगे लड़ी है इस पर, और है ना हमारी ये बोटी है छोटी छोटी सी, तो ये फ्लॉप हो गया, लेकिन हम इसको पका के जाएंगे, इसको हम डायरेक्ट डालेंगे इस ग्रिल के ऊपर जैसे ये तिक्के डालें, और हम इसको डायरेक्ट पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। एंड ये लग गई हमारी बोटियाँ बगैर सीख के, क्योंकि हमारी जो आपको बताया था सीखे थी वो काफ़ी बड़ी थी, ये हमने पहले से कुक कर ली थी, बस उसमें दम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त है नहीं खुली सही, ये ऑलमोस्ट कुक है, तो बस हम जो है ना क्या कर रहे हैं कोयले का दम दे रहे हैं इस साइड को, हाँ ऑलमोस्ट हो गया, जुगाड़ चेक करो चिमटा नहीं है तो पाकिस्तानियों का जुगाड़, वाह भाई वाह, वी आई पी बोटिया, टिशू से उठा लो, टिशू से उठा लो, नहीं बस हो गया ये वाला बेच तो हो गया, अगला बेच में सोचेंगे आ गया भाई सेकंड बैच आ गया वी आई पी, वो एक बूटी जाए होगी, खैर बिल्ली को देखो, बिल्ली को देखो, ये है फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल फाइनल।